Good morning, my dear student. In first chapter of computer, we learn about what is computer networking, what is advantage of computer network, hardware is uh, hardware used in networking, types of network, network topology, and protocols. In second chapter. वी आर टेक सम बेसिक नॉलेज ऑफ एम एस एक्सेस दैट मीन्स वॉट इज डेटा बेस हमारा डेटा बेस क्या होता है इन दिस चैप्टर वी टेक सम बेसिक नॉलेज ऑफ डेटाबेस रिलेशनल डेटा बेस टेबल प्राइमरी की रिलेशनशिप टेबल स्ट्रक्चर क्रिएटिंग एक्सेस डेटा बेस एक्सेट्रा लेट्स इट स्टार्ट आवर सेकेंड चैप्टर फ्रॉम इंट्रोडक्शन इट इज़ वेल नोन फैक्ट दैट अ कंप्यूटर प्रोसेस डेटा टू गिव मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कंप्यूटर कोई भी डेटा को प्रोसेस करके क्या करता है एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देता है एक संदेश देता है वो भी कैसा तो मीनिंगफुलर वंस अगेन यू हैव टू नो वॉट इज डेटा कॉल्ड यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि हम लोग डेटा किसको कहते हैं इंफॉर्मेशन इन रॉ और ऑर्गेनाइजड फॉर्म सचैज अल्फाबेट न्यूमेरिकल और सिंबल्स दैट रेफर टू कंडीशन आइडियाज और ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड डेटा डेटा हमारा क्या होता है कोई भी इंफॉर्मेशन या तो ऑर्गेनाइज्ड वे में हो या तो अनऑर्गेनाइज्ड वे में हो वो भी किस तरीके से या तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्गेनाइज्ड हो या तो न्यूमेरिकली ऑर्गेनाइज्ड हो या किसी सिंबल के थ्रू ऑर्गेनाइज हो उस कंडीशन को या किसी कंडीशन से ऑर्गेनाइज हो या किसी आइडिया से ऑर्गेनाइज हो उसको हम लोग क्या कहते हैं डेटा कहते हैं इट इज़ लिमिटलेस एंड प्रजेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स ये पूरे यूनिवर्स में लिमिटलेस ही होता है लिमिट इसकी कोई लिमिट नहीं होती ये हर जगह प्रजेंट होता है डेटा हमारा आगे बढ़ते हैं कि हमारा डेटा बेस क्या होता है ए डेटा बेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ़ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फील्ड रिकॉर्ड एंड फाइल्स दैट इज ऑर्गेनाइज इन फॉर्म ऑफ टेबल सो दैट इट इट कैन ईजली बी एक्सेस्ड मैनेज एंड अपडेट हमारा डेटा बेस जो होता है वो एक क्या होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है बहुत सारे इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है वो भी किस फॉर्म में तो या तो फील्ड के फॉर्म में या तो रिकॉर्ड के फॉर्म में या तो फाइल के फॉर्म में वो भी कैसा तो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है किसी टेबल में या किसी फील्ड में इसीलिए इट कैन ईजली बी एक्सेट इसलिए हम लोग इसको ईजिली बहुत आसानी से एक्सेस्ट भी कर सकते मैनेज भी कर सकते और अपडेट भी कर सकते हैं इफ़ फील्ड इज़ अ सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ए रिकॉर्ड इज़ वन कंप्लीट सेट ऑफ फील्ड एंड फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ़ रिकॉर्ड एक जो फील्ड जो होता है हमारा एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है मान लो ये तुम्हारा एक फील्ड है तो एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है ये तुम्हारा फील्ड ए रिकॉर्ड इज़ वन कंप्लीट सेट ऑफ फील्ड और जो रिकॉर्ड होता है ये नेम हो गया ये तुम्हारा एक सिंगल फीस ऑफ इंफॉर्मेशन है ये तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड हो गया अंजलि शर्मा अजय पंत रितु मिश्रा ये सारे जो हैं ये इनके सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे दिए हुए दिए तो पूरा हमारा रिकॉर्ड्स हो गया और नेम और टेलीफोन नंबर हमारा जो हो गया ये फिल्ड हो गया इट कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ़ रिकॉर्ड ईच ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ़ टू फील्ड नेम एज टेलीफोन एंड नंबर जैसा कि यहाँ पे नेम और टेलीफोन दिखाया गया है इसी तरह ये बहुत रिकॉर्ड्स जो होता है हमारा कितने भी फील्ड्स को कंटेन कर सकता है टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटा बेस यू हैव टू यूज़ आर डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन तक पहुँचने के लिए तुम्हें क्या यूज़ करना पड़ेगा डी बी एम एस दैट मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट फैसिलिटेट्स टू यू यू टू इंटर ऑर्गेनाइज एंड सेलेक्ट डेटा इन ए डेटा बेस इन अ प्रॉपर वे ये क्या करता है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है कि सारे प्रोग्राम्स को जो भी तुम डेटा दिए होते हो उसको एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में तुम्हारे सारे डेटा को स्टोर करके कलेक्ट करके एक प्रॉपर वे में रखता है डेटा बेस का एडवांटेज क्या होता है पढ़ते हैं ऑल द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड टुगेदर जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको एक साथ कलेक्ट करके रखता है इट इज़ ईजियर टू रिट्राइव इसको रिट्राइव करना मतलब इसमें कुछ भी अपडेट करना कुछ भी चेंजेस करना इसमें ईजी होता है द इंफॉर्मेशन कैन बी एक्से ईजली एट एनी टाइम इन अ डिज़ायर्ड मैनर तुम किसी भी समय पे कोई भी डेटा को आराम से एक्सेस कर सकते हो वहाँ तक पहुँच सकते हो रिड्यूस डेटा इंट्री स्टोरेज एंड रिट्राइवल कॉस्ट और ये डेटा इंट्री को रिड्यूस करता है जो भी स्टोरेज होती है जो भी डेटा की इंट्री होती है उस उसमें कोई कॉस्ट नहीं लगता ये फ्री होता है डेटा कैन बी सेयर इन एन इजी वे डेटा को हम लोग ईजिली शेयर भी कर सकते हैं नंबर ऑफ पर्सन कैन एक्सेस द सेम डेटा बेस एट द सेम टाइम और एक ही समय में तुम बहुत सारे यूज़र एक ये इस डेटा को तुम लोग इजीली एक्सेस कर सकते हो इसमें डेटा की सिक्योरिटी भी होती है जब तक तुम पासवर्ड नहीं दोगे अपना लॉगिन नेम नहीं दोगे तब तक तुम डेटा को एक्सेस नहीं कर पाओगे तो इसमें सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी होती है इंक्रीज डेटा कंसिस्टेंसी और डेटा कंसिस्टेंसी को भी ये इंक्रीज़ करता है और इसका डिसएडवाटेज क्या है ड्यू टू कंप्लेक्सिटी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर ऑल यूज़र एट रेगुलर इंटरवल इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ कुछ कम्प्लेक्सिटी होती है इसको सीखना पड़ता है कि कैसे फील्ड बनाए कैसे टेबल बनाए तो जब तक कोई यूज़र इसकी ट्रेनिंग नहीं लेगा रेगुलर इंटरवल पे तब तक उस नहीं रेगुलर ट्रेनिंग ना ले तो उसे थोड़ी प्रॉब्लम होगी डी को यूज़ करने में इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर रनिंग इंडिविजुल एप्लीकेशन एक एक अप्लीकेशन को अलग अलग रन करने में ये थोड़ा सा वक्त लेता है टाइम लेता है सुटेबल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्टार्टअप कॉस्ट और जो भी इसके सुटेबल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं जो भी इसके स्टार्टअप होते हैं तो कुछ स्टार्टअप कॉस्ट लगते हैं डेटाबेस सिस्टम आर डिफ़िकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग टू डिज़ाइन इसको डिज़ाइन करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है और थोड़ा इसको डिज़ाइन करना डिफ़िकल्ट भी होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है रिलेशनल डेटाबेस कैन बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स ऑर्गेनाइज इन फॉर्म ऑफ ए सेट ऑफ फॉर्मली डिस्क्राइब टेबल रिलेशनल डेटाबेस को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं तो जो भी डेटा का कलेक्शन होता है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो और एक और ए सेट ऑफ फॉर्मली डिस्क्राइब टेबल और एक टेबल में पूरी तरीके से डिस्क्राइबड हो उसको हम लोग क्या कहते हैं रिलेशनल डेटा बेस कहते हैं रिलेशनल डेटा बेस आर पावरफुल बिकॉज दे रिक्वायर फ्यू एजम्पसन अबाउट हाउ डेटा इज रिलेटेड और हाउ इट विल बी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द डेटा बेस रिलेशनल डेटा बेस जो होता है हमारा थोड़ा शक्तिशाली होता है बहुत पावरफुल होता है क्यों होता है क्योंकि ये रिक्वायर करता है कुछ एजम्पसंस को रिक्वायर कर लेता है जैसे कि हाउ डेटा इज रिलेटेड मतलब डेटा एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है कैसे इट विल बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डेटा बेस और ये डेटा बेस से कैसे एक्सट्रैक्ट किया गया मतलब दो टेबल है दोनों टेबल में कैसा रिलेशन है ये रिलेशनल डेटा से इजली पता चल जाता है और ये भी पता चल जाता है कि कौन से कौन सा जो है हमारा डेटाबेस बेस कहाँ के डेटाबेस से एक्सट्रैक्ट हुआ है कहाँ से लिया गया है तो इसलिए रिलेशनल डेटाबेस है जो थोड़ा पावरफुल होता है एज अ रिज़ल्ट द सेम डेटाबेस कैन बी व्यूड इन मैनी डिफरेंट वे और बहुत अलग अलग एक ही डेटा बेस को हम लोग अलग अलग फॉर्म में ईजिली देख सकते हैं यू कैन लुक एट द कॉन्सेप्ट ऑफ एन आर डी बी एम एस यूजिंग द टेलीफोन डायरेक्टरी एग्जाम्पल जैसा कि टेलीफोन डायरेक्टरी का एग्ज़ाम्पल ले लो उसमें आर डी बी एम एस का ही कॉन्सेप्ट होता है यानी कि रिलेशनल डेटा बेस के कॉन्सेप्ट ही जो होता है हमारा टेलीफोन डायरेक्ट डायरेक्टरी होता है द टेलीफोन डायरेक्टरी रिप्रजेंट अ टेबल दैट स्टोर द नेम एंड फ़ोन नंबर ऑफ फॉर एवरी वन इन योर सिटी तुम्हारे सिटी में जितने भी लोग हैं उतने लोगों का नाम और नंबर को ये एक टेबल में रिप्रेजेंट कर सकता है यू कैन ऑप्टेंट अ डिफरेंट टेलीफोन डायरेक्टरी फॉर योर सिटी तुम दूसरा भी टेलीफोन डायरेक्टरी बना सकते हो अपने ही सिटी का यू कैन इंक्लूड ई मेल एंड वेबसाइट एड्रेस एलोंग विद द अदर डेटा तुम इसमें नेम और टेलीफोन नंबर के अलावा भी तुम इसमें उसमें उसकी ईमेल आईडी उसकी वेबसाइट एड्रेस उसकी होम एड्रेस सारे कुछ को तुम स्टोर करके रख सकते हो एक टेबल के फॉर्मेट में नाउ यू हैव टू सेपरेट टेबल्स दैट स्टोर द सेम इंफॉर्मेशन तुम और आ, उनके सेपरेट सेपरेट इंफॉर्मेशन को भी स्टोर करके रख सकते हो मान लो एक जगह तुम्हें नेम और टेलीफोन नंबर रखने हैं और एक जगह नेम और उनका ईमेल एड्रेस रखना है तो इन दोनों को तुम अलग अलग सेपरेट करके भी रख सकते हो ऑल द सेकेंड सोर्स इंक्लूड्स डेटा नॉट अवेलेबल इन द फर्स्ट दिस इज द बेस्ट एडवांटेज ऑफ द आर डी बी एम एस और ये जो होता है कि डेटा को सेपरेट करके रखना और डेटा को रिलेट करके रखना ये आर डी बी एम एस का जो है ये बेस्ट एडवांटेज होता है हमारा आगे पढ़ते हैं डेटा बेस ऑब्जेक्ट डेटाबेस में क्या क्या ऑब्जेक्ट होते हैं तो पहला है टेबल दूसरा इंडेक्स क्वेरी फॉर्म रिपोर्ट टेबल क्या होता है इट कंसिस्ट ऑफ डेटा लॉजिकली अरेंज इन कॉलम एंड रो इसमें जो डेटा होता है वो कैसा कॉलम और रो में अरेंज होता है द डेटा इन द टेबल इज़ लॉजिकली रिलेटेड एंड रिलेशनशिप कैन बी डिफाइंड बिटवीन टेबल और जो भी डेटा है तुम्हारा कॉलम और रो में डिफाइन होगा उसमें अरेंज होगा और जो, और जो भी रिलेशनशिप है उसमें तुम्हें सामने से दिखता है सामने से डिफाइन होगा दो टेबल के बीच भी तुम रिलेशनशिप देख सकते हो मान लो कि एक टेबल है तुम्हारा नेम का एक टेबल है तुम्हारा नेम और टेलीफोन का और दूसरा है नेम और ईमेल एड्रेस का तो तुम यहाँ से देख सकते हो कि कौन से नेम का कौन सा टेलीफोन नंबर है और उसका कौन सा ईमेल एड्रेस है दूसरे टेबल में जाके इजीली देख सकते हो तो ये रिलेशनशिप भी uh, uh, बहुत अच्छे से डिफाइन करता है टेबल इंडेक्सेस क्या होते हैं दीज आर यूज एज अ मीन टू एक्सेस द डेटा विद इन द टेबल इन एन ऑर्डर दैट माइट नॉट बी अवेलेबल इसका यूज़ क्यों करते हैं तो डेटा को एक्सेस करने के लिए विद इन दहाँ से एक्सेस करने के लिए तो किसी टेबल से डेटा को एक्सेस करने के लिए वो भी कैसे इन एन ऑर्डर दैट माइट नॉट बी अवेलेबल और जो जो डेटा तुम्हारा अवेलेबल नहीं है उसको भी तुम इजीली इंडेक्स में एक्सेस कर सकते हो क्वेरी क्या होता है टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए डेटा बेस वी यूज़ क्वेरी किसी भी डेटा बेस से कोई भी इंफॉमेशन को लेने के लिए हम लोग क्वेरी का यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल वी यूज़ क्वेरी टू गेट आवर स्टेटमेंट ऑफ बैंक अकाउंट जैसा कि एग्जांपल ले लो कि हम लोग को क्या चाहिए हमें बैंक अकाउंट का कुछ स्टेटमेंट चाहिए तो हम लोग वहाँ क्या का यूज़ करेंगे क्वेरी का इट इज़ द वे टू आस क्वेश्चन फ्रॉम डेटा क्वेरी से क्या होता है मान लो तुम्हारा कोई बैंक अकाउंट का पूरा डिटेल्स टेबल्स बना हुआ उसमें नेम है तुम्हारा उसमें तुम्हारा बैंक अकाउंट डिटेल्स है उसमें तुम्हारे अमाउंट लिखे हुए हैं बस लेकिन तुम्हें हमें क्या करना है सिर्फ बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट देखना है लाना है तो तुम वहाँ क्वेरी का यूज़ करके अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देख सकते हो तुम डेटाबेस से पूछो कि मेरा बैंक अकाउंट क्या है तो ये और वो डेटाबेस तुम हो तुमको रिटर्न में तुम्हारे बैंक अकाउंट डिटेल्स को दे देगा तो वो चीज़ें हम लोग क्वेरी से ही कर सकते हैं फॉर्म क्या होता है वी यूजली फिल फॉर्म बाय आवर हैंड सच एज अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ऑफ ए बैंक जॉब अप्प्लीकेशन टू गेट रिजर्वेशन फॉर ट्रेवलिंग बाई ट्रेन फॉर्म का यूज हम लोग क्यों करते हैं यूजली फॉर्म बनाने के लिए करते हैं जी. कोई भी तुम स्कूल में जाओगे कॉलेज में जाओगे तो सबसे पहले तुमको फॉर्म भरना पड़ता है या तो तुम बैंक में जाओ तो वहाँ तुम्हें अकाउंट खुलवाने के लिए तुमको फॉर्म भरना पड़ेगा या पैसा डिपॉजिट या विड्रॉ करने के लिए तुमको फॉर्म भरना पड़ेगा तो फॉर्म का यूज़ हम लोग फॉर्म को बनाने के लिए करते हैं रिपोर्ट क्या होता है तो रिपोर्ट आर प्रिंटेबल समरीज ऑफ द इंफॉर्मेशन इन योर एक्सेस टेबल एंड क्वेरीज इट शोज़ द कॉम्बिनेशन व्यूज़ ऑफ़ डेटा बेस रिपोर्ट क्या करता है एक प्रिंटेबल समरी होता है तुम्हारे किसका क्वेरी और टेबल का जैसे कि रिपोर्ट में तुम अपना रिजल्ट तैयार कर सकते हो स्कूल का जो रिज़ल्ट होता है वो रिपोर्ट के थ्रू ही तैयार किया जा सकता है तो ये एक प्रिंटेबल डे डेटा होता है और क्या होता है इट सोज़ द कॉम्बिनेशन व्यू ऑफ़ डेटाबेस और जो भी कॉम डेटाबेस का कॉम्बिनेशन होता है उस उसको ये शो करता है रिपोर्ट हमारा आगे हम लोग कल पढ़ेंगे आज के लिए इतना ही थैंक यू माय डियर स्टूडेंट